हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब कोई? आज दिन मंडे और 23 दिसंबर, और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और मैं अभी करी हूँ अपनी पूजा, क्योंकि आज था सोम प्रदोष का व्रत। जो कोई करते होंगे उन्हें पता होगा, ये शिव जी की और माँ पार्वती की पूजा होती है। तो मैं ये हर महीने की एक प्रदोष का जो व्रत आता है, ऐसे आता तो ये 2 है, बट मैं महीने की एक ही करती हूँ। जो नहीं कर पाती हूँ तो दूसरे वाले में कर लेती हूँ, बट एक ही करती हूँ। तो बस मैं अभी करी हूँ अपनी पूजा, कथा सुनी है मैंने, और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय पी थी मॉर्निंग में, और एक एप्पल खाया था। और अभी करके पूजा, बस जस्ट मैं उठी हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने शिव जी की पूजा की है, और शाम का टाइम है अभी। तो चलिए फटाफट से चाय बनाते हैं और पीते हैं चाय, क्योंकि ठंड बहुत है, और ठंड में चाय तो अच्छी लगती है। 2 बार 3 बार जितना मन करे आप उतना पी लीजिए। तो चलिए फटाफट से चलती हूँ और किचन में, और बनाती हूँ अपने लिए चाय। गाइज, मैं आ चुकी हूँ किचन में और बना रही हूँ अपने लिए चाय। और चाय पीने के बाद करूँगी मैं अपना बाकी का सारा काम, क्योंकि बहुत देर से कुछ भी नहीं किया, एनर्जी नहीं लग रही थी चाय पी के। सो गाइज, अभी चाय बना के आ चुकी हूँ, और ये रही मेरी चाय। मैं पीती हूँ चाय, और उसके बाद पीने के बाद जाना है किचन में, क्योंकि किचन में पड़ा है बर्तनों का ढेर, जो कि सुबह से मैंने एक बार भी पूरे बर्तन साफ़ नहीं किए थे। तो पहले बर्तन साफ़ करूँगी, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म क्लीन करूँगी, उसके बाद रात में खाने में क्या बनाती हूँ देखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खाना रखा भी है। 4 o'clock के आसपास ही ऑफिस गए थे, तो इनके ऑफिस के लिए ना भरवा भिंडी और आलू दही की सब्जी बनाई थी, तो वो रखी है। सब्जी तो मुझे अभी बनाना नहीं है, पराठे सोच रही हूँ, मूली के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि ठंड में पराठे अच्छे लगते हैं। तो मूली के पराठे बनाती हूँ, और उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चाय पीने के बाद लग जाते हैं काम पे, और फटाफट से निपटाते हैं अपना काम। तो मिलती हूँ आप लोगों से किचन में। सो गाइज, मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूली के पराठे, और इसके लिए मैंने डाला है यहाँ पे कढ़ाई में सरसों का तेल। मैं खाने में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक मूली ली है, जिसे मैंने कद्दूकस करके इसका पानी निकाल लिया था, और हरी मिर्च डाली है एक कटीरी, और हरा धनिया डाला है। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ जीरा, उसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पे अजवाइन और नमक, हल्दी, चाट मसाला। बस यही सारे बेसिक से मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसे फिर अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। मैं यहाँ पे लाल मिर्च भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, आप चाहें तो ना भी डालें। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसे छौंकूँगी, जैसे हम सब्जी छौंकते हैं। 1 से 2 मिनट अच्छी से छौंकने के बाद मैं यहाँ पे इसे फ्राई करूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे तेल जो चढ़ाया था उसमें मैंने डाला है जीरा हाथों से क्रश करके, और 1 पिंच हींग भी डालूँगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और डाइजेस्ट भी बहुत इजीली हो जाता है। हींग हमारे हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, खाने में यूज़ करना ही चाहिए। तो मैं तो हींग हर चीज़ में यूज़ करती हूँ, जिसमें भी दिया जा सकता है। तो बस इसी तरीके से मैं इसे अब छौंक दूँगी, और 1 से 2 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूँगी। मैं सारे मसाले इसमें एक बार में ही ऐड कर लिए थे, आप चाहे तो अलग से भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट मैंने एक बार में ही डाल लिया। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक चीज़ यूज़ करूँगी, वो अभी आप आगे देखेंगे। सो गाइस, अभी देखिए ये मूली मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई कर ली है, और इसी पैन में ही मैं साइड में यहाँ पे अभी 2 से 3 चम्मच जो है सत्तू डालूँगी। ये चने का सत्तू है, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, और मैं इसमें मिक्स कर दूँगी इसको अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट में इसे अच्छी तरीके से सेक लूँगी, और सेकने के बाद मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद ना मैं इसे ढक दूँगी 1 से 2 मिनट, ताकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए। मॉइस्चर आने की वजह से क्या होगा ना, ये थोड़ा सा अच्छा सा सिक जाएगा। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें, मैंने यहाँ पे एक मूली ली थी तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ नमक डाला है। देखिए गाइस, लीड पे कितना पानी था, मॉइस्चर आ गया इसमें थोड़ा सा। और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे निकाल लूँगी कढ़ाई से, और मेरा जो ये मसाला है वो रेडी हो गया। उतनी देर में मैंने आटा लगा लिया था, तो 10-5 मिनट में मेरा आटा भी सेट हो गया, रोटियाँ बना लूँगी मैं। तो गाइस, अब मैं बनाने लगी हूँ अपने पराठे, और ये पराठे आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो बस मैं इसी तरीके से अपने पराठे रेडी कर लूँगी। और ये क्या है ना, इसकी इसमें जो सत्तू मैंने साथ में ऐड किया है ना, तो इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आने वाली रेसिपी है ये, और पता भी नहीं चलेगा कि ये मूली है। कि होता है ना कि बच्चे बहुत बार होता है कि मूली के पराठे नहीं खाना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, मूली के पराठे खा लेंगे, और काफ़ी हेल्दी भी होता है सत्तू, तो वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और देखिए ये पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा है।
गाइस अब मैं पराठे सेकने लगी हूँ और ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ देसी घी। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, आयरन भी खाता है। तो बस मैं इसी तरीके से बनाने के बाद इंजॉय करूँगी अपने पराठे को। देखिए गाइस बिल्कुल भी नहीं फटा है पराठा और ना इसकी स्टफिंग बाहर आई है। नॉर्मल जो हम मूली के पराठे बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट आता है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है और ये बिल्कुल डिफरेंट आएगा। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बनाने के बाद अब मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। देखिए गाइस पराठा सीख चुका है गोल्डन ब्राउन, कितना अच्छा। गाइस ये है मेरा आज का डिनर और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और मैं करती हूँ अपना डिनर। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।